क्या? अच्छा, अभी हम यहाँ इनसे बात कर ही रहे थे तो हमें एक और प्रोडक्ट नज़र आया है, इसको कहते हैं कैट लिटर। अब एनीबडी हु हैज एवर केप्ट अ कैट ही नोज कि कैट लिटर क्या होता है। यूजुअली लोग क्या करते हैं कि एक सैंड बॉक्स के अंदर रेत डाल के रख देते हैं जहाँ पे वो बिल्ली की पॉटी ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। वो रेत भी ठीक है बट उसकी स्मेल एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। तो कैट लिटर होता ना, ये बनाया इस तरह जाता है, इसमें चारकोल ऐड करते हैं ताकि वो जो कैट का जो फीकल मैटर है उसकी स्मेल को एब्जॉर्ब कर ले और आपके पूरे घर में जो है वो इट डजंट स्मेल लाइक कैट पू। तो यू नो व्हाट टू डू। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे नॉट्स की कि जो है वो आपके डॉग्स में, मोस्टली डॉग्स में होता है या कैट के अगर बाल लंबे हैं तो उसमें जो है ना नॉट्स आई थिंक गिल्टियाँ बन जाती हैं, उसमें क्या करना होता है जी? तो उसके लिए ये होता है डिमैटिंग कॉम होती है, ये छोटे छोटे ब्लेड्स होते हैं एक किस्म के, ये कह लें कि नुकसान नहीं देते कैट या डॉग को, मगर ये जिस वक्त आप ब्रशिंग करते हैं ये उन नॉट्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये काफ़ी है ना उन नॉट्स वगैरह के लिए जो आपके आ जाते हैं, क्लॉट्स वगैरह इधर बन जाते हैं। आपको बता रहा था ये हो गया ना। अच्छा, लेकिन अगर आपके पास कोई डॉग है, इफ़ योर फरी फ्रेंड, इफ योर फरी बेबी इज़ अ डॉग, हमेशा उसके लिए कोई चीवी चीज़ लेके जाएं जो चबा सके। मेरे पास एक बेल्जियन शेपर्ड थी सैम, वो सारा दिन बैठ के ना मेरे रबर शूज़ तो उनका सोल चबाती रहती थी, उसको मज़ा आता था। तो फॉर अ डॉग हमेशा एक चीवी टॉय रखें, एक टेनिस बॉल जैसे ये है, दिस इज़ अ वेरी गुड टॉय फॉर अ डॉग, स्पेशली अगर आपके पास कोई जर्मन शेपर्ड है या लैब्राडोर है या बेल्जियन शेपर्ड है, बेस्ट है ये। मैंने आपको अच्छा जी, हमने आपको टॉयज दिखा दिए, आपको हमने शैम्पू दिखा दिया, आपको लीश दिखाया, आपको मसल ब्रेक दिखाया, आपको हमने ब्रशेस दिखाए, दीगर एक्सेसरीज दिखाई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बिकता ना हमें पता है पेट फूड बिकता है। तो भाईजान, अगर बाजार घर के रेफरेंस से आपके पास हमारा कोई प्यारा आ जाए तो आप, अच्छा पहले ही बता दें 3-4 ब्रांड्स आपके पास अच्छे अच्छे पेट फूड में कौन से पड़े हुए हैं? पेट फूड में आपकी कैट होगी या डॉग हो गया, जो सबसे चलने वाला जो ब्रांड है ना वो इस टाइम रॉयल कैनन है, जो कैट के हवाले से भी ये कह लें कि उनकी सेहत को मेंटेन करने के हवाले से, डॉग की सेहत को मेंटेन करने के हवाले से होते हैं, रिफ्लेक्स है, न्यूट्रा गोल्ड है, मीरा आता है, ये वो ब्रांड है कि जिनकी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मार्केट है। ये मल्टीपर्पज़ में लोग यूज़ करते हैं, किसी को ग्रोथ के हवाले से चाहिए, किसी को बालों के हवाले से चाहिए, किसी को शेड के हवाले से चाहिए, कुछ डॉग्स के शेड इतने ज़्यादा डार्क नहीं होते तो कुछ लोग उसके हवाले से यूज़ करते हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हैं, अगर कोई आगे कहता है जी हमने बाजार घर पे आपका शो देखा था, आप हमें कितना परसेंट डिस्काउंट देंगे? जो भी अगर आपके उसके चैनल के रेफरेंस से आता है या आपके पेज के रेफरेंस से जो भी मेरे पास आएगा, मुझे आपका रेफरेंस देगा बिल्कुल, तो इंशाल्लाह जो बेस्ट पॉसिबल हो सका बता दें, 10 से लेकर 30% के दरमियान जो तक। मैं 20 कहने वाला था लेकिन भाई ने खुद ही 30 कह दिया, तो अब आपने इनके पास आना और आगे बताना कि जी बाजार घर पे हमने आपका शो देखा था, आप हमें ये चीज़ दें और आपको 30% भाई की जितना इखलाक है अलहमद में नज़र आ रहा है, फूड के अलावा भी आपको डिस्काउंट दे देंगे क्योंकि होलसेल भी है, अगर आपको बल्क में कुछ चीज़ें चाहिए तो वो भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसी के साथ जादू शेख को दें इजाज़त, मिलेंगे बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर।